ओम शांति। अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं। तो बाबा ने कहा, मन इच्छित फल पाने की अनोखी वेला, प्रभु पालना की परम वेला। बाबा ने अंडरलाइन किया, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन की वेला है। रूहानी रूह रूहान करने की वेला है। अमृत वेला भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना? अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही कि अमृत वेले परमात्मा शिव बाबा भोले भंडारी के रूप से हमें वरदानों से खजानों से भरपूर करते हैं। और जो गायन है कि मन इच्छित फल प्राप्त करना, क्योंकि उस समय शिव बाबा भोले भंडारी के रूप में विराजमान हैं, इसलिए बच्चे जो भी अपना बाबा के आगे इच्छा रखते हैं वो बाबा पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा, अनुभवी ही जाने इन श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वह मेरे रूहानी गुलाब, आप वह वह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते रहते। अमृत वेले हम बाबा के गीत गाते हैं, वाह बाबा वाह, तो बाबा भी बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। भगवान अपने बच्चों के गीत गाए तो वो भगवान, आप सोचो उस समय कितना प्रसन्न होगा। वाह वाह कब निकलता है दिल से? जब मन प्रसन्न होता है। तो भगवान के मन से हमारे लिए वाह, हमारे लिए वाह वाह निकलना, माना भोला भंडारी हम बच्चों पर कितना प्रसन्न है। तो प्रसन्न है तो हम उससे मन इच्छित फल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले अपने भाग्य नशे और खुशी की स्मृति में रहो। इसके लिए बाबा ने कहा, स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। तो बाबा ने कहा, अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। आप देखो अभी जो समय चल रहा है वो कैसा समय चल रहा है। हर व्यक्ति इस समय फिक्र में है, किसी को कारोबार की फिक्र, तो किसी को अपने स्वास्थ्य की फिक्र, किसी को तन की, किसी को मन की, तो किसी को धन की। तो बाबा ने कहा, लेकिन आप सभी, अंडरलाइन किया बाबा ने, अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते।
इसमें दूसरी बात फिर बाबा ने कही, बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा के नूंधे हुए हैं। हम अपने भाग्य को शायद इतना नहीं पहचानते, लेकिन भगवान हमारा भाग्य देखता है कि मेरे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। तो बाबा ने कहा, अमृत वेला ही भाग्य लाता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया, हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को, यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप का सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है, पांव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य है, तो लिस्ट निकालो कितने प्रकार के भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप को देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो, सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया। देखो बाबा ने कितनी सुंदर ये बात कही, अपने भाग्य नशे और खुशी के स्मृति के लिए, कि आपका हर कर्म भगवान के साथ है। तो जब हर कर्म भगवान के साथ है, हर कर्मेंद्रिय भगवान की सेवा में है, तो बाबा ने कहा आप जैसा भाग्यशाली और कौन होगा। तो हम बच्चे शायद अपने इस भाग्य को इतना अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे, तो आज बाबा ने हमको ये भाग्य की स्मृति दिलाई है। तो आज से हम सभी अमृत वेले उठते ही अपने इस भाग्य की स्मृति में रहेंगे। फिर अमृत वेला और साकार बाप दादा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे दिन में भल काम करो, परंतु अमृत वेले 4 से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। ये बाबा वरदान दे रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले विशेष एकांतवासी बनो। ये बात बाबा ने अंडरलाइन की है। रूहानी कमाई वाले बच्चे शरीर निर्वाह करते हुए भी सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे, आत्मा उड़ती रहेगी। क्योंकि बाबा की आज्ञा का पालन किया, तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आत्मा उड़ती रहेगी। और बाप समान रहम दिल बन, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेगी, सबको बाप का परिचय देंगे। नए नए बहुत ऐसे भी निकलेंगे जो पुरानों से भी तीखे जाएंगे, मार्जिन है। अमृत वेले याद में बैठने की आदत पड़ जाए तो बहुत मज़ा आएगा। देखो बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य हम सबको आज बताए। अमृत वेले नशे भाग्य खुशी की स्मृति में रहो, बाबा की आज्ञा पालन करो,
और भोले भंडारी शिव बाबा से मन इच्छित फल की प्राप्ति करो। तो अभी तक अगर कोई अमृत वेले में अलबेले भी हूँ तो आज बाबा के इस वरदान को रात्रि सोते समय सुनकर सोना और अमृत वेले उठते ही अपना भाग्य स्मृति में लाना और सारा दिन कर्म करते हुए इसी बात को स्मृति में रखेंगे कि हम भगवान के साथ ही उठ रहे हैं, भगवान के साथ ही कर्म कर रहे हैं। ये आंखें भगवान को ही देखने के लिए मिली हैं, कानों से भगवान के महावाक्य सुनते हैं और हर कदम पे कदम रखते कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाली हम भगवान की भाग्यशाली आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।